पागबड़ा के गांव समाथल में बने शमशान घाट की बिल्डिंग में आई दरारों को लेकर ग्रामीणों द्वारा चिंता व्यक्त की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान को इसकी मरम्मत के लिए कितनी ही बार अवगत कराया गया, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामीणों की इस अपील पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बताते चले, गाजियाबाद के मुरादनगर की घटना दिल को दहलाने वाली घटना है और इस घटना को लेकर जहां पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी, तो वहीं इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसी विषय को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बने शमशान घरों की स्थिति को लेकर ग्रामीणों में चिंता व्यक्त की जा रही है। पागबड़ा के गांव समाथल में बने शमशान घाट की बिल्डिंग में आई दरारों को लेकर ग्रामीणों द्वारा खतरे की आशंका जाहिर की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान को इस समस्या को लेकर कितनी ही बार अवगत करा दिया गया, लेकिन ग्राम प्रधान इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे। शमशान की इस इमारत को जल्द से जल्द मरम्मत कराने की जरूरत है, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों द्वारा बिल्डिंग की दीवारों और बीम में आई दरारों को तुरंत सही कराए जाने की मांग की गई है। इस टाइम कहाँ खड़े हैं? इस वक्त शमशान में खड़े हैं। क्या क्या परेशानी है आप लोग की? हमें ये परेशानी है, ये कमजोर हो गया है, ये सही हो जाना चाहिए। अच्छा, जो आपके पीछे ये जो कमरा बन हुआ था, इसकी क्या हालत थी? इसे जो ऊपर से गिर गया था, हमने उसमें का मलबा हटवा दिया था, मन की कोई मर ना जावे। जर्जर थी हालत? हाँ। कितनी कैसी हालत थी इसकी? इसकी हालत बिल्कुल खराब थी, ऊपर से गिरन लगता, जब गिरन लगा था तो हमने सोचा पूरा ही गिरवा दिया, हटवा के। कोई अधिकारी आया? कोई नहीं आया। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि ये ठीक हो जाना चाहिए। आपके इस तरफ जो शमशान है, क्या स्थिति है उसकी? इसकी स्थिति ये जैसे झटका पड़ा है, ये इधर ये लैट्रिन थी, ये टूट गई थी, गिरन लगी थी, तो ये हमारे ताऊ जी ने सारा सामान निकलवा के इसका एक लंग को रखवा दिया है ताकि कोई घटना ना घटे। अच्छा, जर्जर है, इसको लेकर किसी से अधिकारी से शिकायत करी? नहीं, यहाँ पर सर कोई आता ही नहीं है। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग करेंगे कि इसकी रिपेयरिंग बढ़िया करके हो जाए और अच्छा कुछ हो यहाँ पर हो जाए, जो ताकि कोई घटना ना घटे। ये क्यों तुड़वाई आप लोगों ने? ये सर ये गिर चुकी थी, आधी गिरी हुई थी, आधी टंगी हुई थी। हमारे ताऊ जी ने सोचा बोले कोई यहाँ पे हादसा हो जा, कोई भी लेटरिन पे सामने गिर जा, कोई मर जाए, इसलिए हमारे ताऊ जी ने उसे समेटवा के मलवा अंदर रखवा दिया है और आगे को कोई काम होता है वहीं पर ये शमशान बना हुआ है। क्या स्थिति है शमशान की आपके यहाँ? स्थिति क्या है, बस इधर उधर चटक रहा है ये और कमज़ोर है। पीछे ऐसा हुआ था कि पीछे ये सामने लैट्रिन बनी थी तो उनकी दीवारें गिर गई थी तो हमारे ताऊ जी ने फिर वो मलबा इकट्ठा करवा के रखवा दिया है। अच्छा, इसमें इससे खतरा मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। जब ये सारा चटका हुआ तो कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। क्या मांग रहेगी सरकार से आप? भाई, हम ये चाहते हैं सरकार से कि इसका दोबारा सही से निर्माण किया जाए, सही से हो, जिससे कि किसी को भी कोई आपत्ति ना हो, कोई परेशानी ना पड़े।